बताना चाहूंगी कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहां पे मिस्टर कापसे, सुनील कापसे, उन्होंने जब इनका मामला उठाया, मिस्टर कापसे ने जब ये मामला उठाया और उन्होंने सलमान खान, सलीम खान को एक नोटिस भेजी, जो लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उन्होंने लेटर ये भेजा, इसको मैं मेल करूंगी, कि जो फार्म्स हैं वो अर्पिता फार्म्स जो है 7 लोगों के नाम है, सिर्फ सलीम खान के नाम पे नहीं है, उसमें जो पूरी फैमिली है उसके नाम वो फार्म है। और लेकिन जब पुराना चिंकारा का केस हुआ था उसमें सलीम, सलमान, अलविरा, अरबाज, अर्पिता, हेलिन और सोहेल, पूरी फैमिली के नाम ये है। और जब पुराना 93 का केस चिंकारा का हुआ था तो उस वक्त जो FIR लिखी गई उस 98 में, उसमें जो है सिर्फ सलीम खान का नाम लिखा गया। कैसे ये लोग मदद करते हैं लोकल की, बाकी उन्होंने वहां के जो एम्प्लॉयज थे उनका नाम लिख दिया। तो जब फॉरेस्ट ऑफिसर ने ये मुद्दा उठाया, सिर्फ एक सलीम खान का नाम है, जबकि वो फार्म जब 7 लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो जब अगर कोई वायलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट हुआ है तो 7 के नाम कंप्लेन होती है। लेकिन इन्होंने बचाने के लिए, और ये मामला जब कापसे जो वहां पे फॉरेस्टर थे उन्होंने उठाया, तो सलीम खान ने सीधे कंजर्वेटर को ईमेल भेज दिया कि कैसे एक फॉरेस्ट का अधिकारी हमारे फार्म पे आ सकता है, हमसे कोई सवाल पूछ सकता है। और ये दादागिरी है इस देश में जो हम फाइट कर रहे हैं VIP रेसिज्म की, कि उनको जो है जो कंजर्वेटर है चीफ, वो कापसे को लेटर भेजते हैं कि आप सलीम खान के फार्म पे कदम भी नहीं रखेंगे। मतलब आप फॉरेस्टर का जिसकी जवाबदारी है, जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर कोई केस कर रहा हो और उसके बाद CP भेज दे कि तुम अपने एरिया के, तुम भले ही बांद्रा के इंस्पेक्टर हो, तुम उस एरिया में किसी के यहां नहीं जाओगे। तो पहले तो उन्होंने सिर्फ सलीम खान के ईमेल पे इनको कापसे को बोला आप उनके फार्म पे कदम नहीं रखेंगे। लेकिन कापसे जो है बड़े बहादुर फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरी जो ड्यूटी है, जब उनको पता चला उन्होंने इनको लेटर भेजा। और लेटर भेजने के 11 दिन के अंदर कापसे का ट्रांसफर पनवेल से उनको खारघर कर दिया गया, करजत कर दिया गया। जबकि जो महाराष्ट्र के जो ट्रांसफर रूल्स हैं उसमें मिनिमम स्टे 6 साल का बताया गया है। आपका स्टे था 6 साल का टेन्योर और आपको 1 साल 11 महीने में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि आप हिम्मत करते हैं कि आपको, उन्होंने सीधे सलमान खान की परिवार से एक्सप्लेनेशन मांगा। ये एक्सप्लेनेशन मांगा कि आप जो है, ये उनका कागज था, ये कापसे का दस्तखत है, कापसे ने लेटर लिखा कि क्यों नहीं आप सबके नाम पे कार्रवाई हो, क्योंकि ये फार्म 7 लोगों के नाम पे है, न सिर्फ वाइल्ड लाइफ का बल्कि जो कंस्ट्रक्शन हुए वो पॉइंट नंबर 2 है। पहला पॉइंट है कि चिंकारा केस में एक के ऊपर कैसे FIR हुई जब फार्म 7 लोगों के नाम पे है। तो कापसे ने 2 इश्यूज रेज किए, एक ये रेज किया इशू, और दूसरा था कि जो माथेरान का जो वो है, माथेरान इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन 2003, इसके तहत जो 2003 से पहले जो कंस्ट्रक्शंस थे उसी पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। और जो गूगल मैप दिखाता है 2003 से पहले सिर्फ 2 कंस्ट्रक्शन थे वहां पे, और इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को फज करके 23 कंस्ट्रक्शन दिखा दिए। और एज अ रिजल्ट जब इनको फॉरेस्ट परमिशन आई, इनको 2 कंस्ट्रक्शन करने थे, इन्होंने 23 करके वो अलीशान महल बना दिया। तो वो टोटल माथेरान इको सेंसिटिव जोन का जो नोटिफिकेशन था उसका वायलेशन था। दिस इज पॉइंट नंबर 2। उसके बाद आप जब जाते हैं कि आपके गेट में लॉक, रास्ता बंद कर दिया, आप अपनी प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते, आपको बिजली लगानी थी, आपको बिजली नहीं दी गई। उसके बाद ये जब फॉरेस्ट अधिकारी मिनिस्टर पे गए, मिस्टर सुधीर मुंगंटीवार के पास आप लोग दोनों गए न्याय मांगने के लिए कि साहब फॉरेस्ट वाले 2 आंख क्यों कर रहे हैं, सलमान को तो आपने सारी सुविधाएं दे दी, वो जो चाहे करे, और हमने वाइट में इन्होंने उन्हीं से खरीदा था, आज चूंकि वो बड़े हो गए हैं, पैसे वाले हो गए, तो शायद वो जमीन इनको अब उनको लग रहा है कि हमें वापस मिल जाए। इनसे बोला भी गया कि आप वापस कर दीजिए या कहीं और ले लीजिए, जो ये कहते हैं हमारी 20 साल की मेहनत की कमाई है। और एक बार आप कहते हैं कि मेक इन इंडिया, बाहर से आप लोगों को बुलाना चाहते हैं, जो लोग अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हैं आज आप उनको यूज भी नहीं करने देते,
पॉइंट नंबर टू ये था, और उसके तहत ये सुधीर मुंगंटीवार से मिलने गए। सुधीर मुंगंटीवार जो अभी फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, वो इनसे बहुत अच्छे से मिले और बोला मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा। और एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या होता है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर इनकी काम करना तो दूर, मिलने को भी नहीं तैयार होते हैं। और वो फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्यों हुआ, किस डेट को आप लोग मिले, 22nd जनवरी 2018 को ये सुधीर मुंगंटीवार से मिलने गए। और कितने दिन के अंदर सलमान खान से मुलाकात हो गई, 3rd February। ये इस देश का हाल है, उसको घर पे बुलाया गया। मतलब कि आपको कैसे, मतलब क्या होता है कि ये जाते हैं अपना वो करके, फॉरेस्ट में भी यही है, जिस फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाते हैं वो वहां पे पहुंच जाता है पार्टी करने, दारू पीने पार्टी करने। और जब ये मिलके आए तो ये देश के मंत्री हैं, ये देश के मंत्री हैं, इनको मौका मिल गया अपने घर में उनको होस्ट करने का, उनको पार्टी करने का। और जिसको न्याय चाहिए तो कौन न्याय देगा, मतलब ये सबसे बड़ा इशू है कि ये एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, इनकी ये गाइडलाइंस होती हैं। आपके पास कंप्लेन आई और आप कंप्लेनेंट के साथ चाय पी रहे, आप उसके साथ सेल्फी ले रहे, आपको अब ये आपका हाल हो गया। मैं एक फोटो और दिखाऊंगी, लेकिन मैंने उसमें से वो हटा दिया है, क्योंकि कल वो ये कहेंगे कि नहीं हमारी बीवी और बेटी की फोटो आपने फ्लैश कर दी, मतलब वो उसका सम्मान कर रहे हैं। मतलब जो है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर, एक आदमी जिसमें वाइल्ड लाइफ का केस हुआ हुआ है, चिंकारा का केस चल रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में अभी मैटर दूसरे में भी गया है, मैंने काट दिया है, उसको ये शेर, मतलब उसको शेर देके सम्मान कर रहे हैं। मैंने पत्नी और बेटी की फोटो काट दी है ताकि उनको और मौका ना मिले कुछ की, हम लोग अगर कोई चीज ला रहे हैं। लेकिन क्या ये शोभा देता है फॉरेस्ट मिनिस्टर को, ये बड़ा सवाल है, मैं जो चाहूंगी आप उठाएं। और ये लोग कैसे थकार के पहुंचे बताइए, अनिता जी कैसे आप मेरे पास आए, हमने मैम को एबीपी माझा पे देखा, तभी किसी ने हमको बताया कि आप जल्दी टीवी ऑन करिए और देखिए ये सलमान खान, ये आपकी जरूर हेल्प करेंगे, तो हम उनके थ्रू इनके पास पहुंचे। इसलिए ये इनको चाहती थी कि आप लोग आइए, एक आपकी भी सोशल अकाउंटेबिलिटी है समाज के प्रति, और शायद जिन लोगों की आवाज कोई नहीं है उनकी आवाज आज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया बना हुआ है। और अगर हमारे मंत्री इतने भ्रष्ट हैं कि आप उनके पास काम लेके जाइए, तो आपको जो है सिर्फ यही होगा कि आप फोटो खिंचवा लीजिए, पार्टी दे दीजिए और आप अपने रिश्तेदारों में बड़े बन जाइए कि सलमान खान हमारे यहाँ आ गया। मैं तो ये फोटो जब मैंने देखी तब से मैं परेशान थी, मैंने कहा क्या हिट एंड रन भी इसी वजह से छूट गए कि हमने इतनी मेहनत करी और जो है लोग सेल्फी लेके और फोटो खिंचा के काम खत्म हो जाता है। तो ये कारण है कि आज आपको मैंने बुलाया। माथेरान नोटिफिकेशन का वायलेशन है जो था ही नहीं वहां पे, इनके ऊपर फोर्जरी और चीटिंग की FIR होनी चाहिए। और कापसे को छुट्टी कर दिया गया है, कापसे जो है आए थे मिलने, एक ईमानदार अफसर जो अपना काम कर रहा था उसको छुट्टी भेज दिया गया है। और कापसे का हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है कि कापसे को जब कानूनन 6 साल का टेन्योर है तो कापसे को क्यों नहीं वापस लाया जाए, ये लेटर हमने बना के कापसे के उन्हें अपने डिपार्टमेंट को दिया है कि आपने मेरा ट्रांसफर गलत किया है। तो मैं कापसे की आवाज बनके, अनीता जी और केतन की आवाज बनके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं जस्टिस की और उसके बाद लॉस का वायलेशन होता है, चिंकारा के केस में आपने उनकी मदद कर दी, माथेरान नोटिफिकेशन का वायलेशन में 22-23 कंस्ट्रक्शन हो गए और जबकि ऑन लॉट 2 था। तो मैं चाहती हूँ इसकी इंक्वायरी हो, मैं चाहती हूँ इसकी इंडिपेंडेंट SIT बैठाई जाए, क्योंकि कोई आज आवाज उठा नहीं सकता, क्योंकि जो आवाज उठाएगा उसका कापसे की तरह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप लोग जो है अब दर दर की ठोकरें खा रहे, और अगर कानून है तो कानून है तो कक्कड़ दंपति को न्याय जरूर मिलना चाहिए। और मैं एज अ लॉयर मैं कापसे के लिए कोर्ट जाऊंगी, मैंने नोटिस दिया है। और कापसे जैसे ईमानदार लोगों को अगर आप नहीं मदद करेंगे तो कोई भी सरकारी अफसर खड़ा नहीं होगा कोई भी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप केतन जी क्या बताना चाहेंगे? एक मिनट, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी खाली कि हम लोग को जितने भी हम NRIs हैं उनको हमारी सरकार है सब बोलते हैं कि आप इंडिया आओ, इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया आओ, तभी क्या हम बोल रहे हैं उनको कि हम लोग एक सीनियर सिटीजन है, हमने 20 साल पहले जितना पैसा लगाया तो उसका तो उनको कोई जवाब नहीं दे रहा। आप दूसरों को बुला रहे हैं कि इधर आके इंडिया में, अभी कौन सा NRI आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा।
और बिल्कुल, और मतलब अगर ये देखिए कि फॉरेस्ट के जो वन संरक्षण है चीफ कंजर्वेटर धमकी दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि सलीम खान की ईमेल मुझे मिली है और इस ईमेल के बाद आप उनके फार्म पे कदम नहीं रखेंगे। ये वन इशू सोना मैंने जो टेंपरेरी है उसको 1.5 साल से बिठाया हुआ है। मतलब वो ककर साहब बताएंगे, लेकिन ये ईमेल आप देखिए, लिखते हैं कि मुझे सलीम खान का ईमेल मिला है और आप जो है कापसे को लिखते हैं कि आप उनके फार्म पे कदम नहीं रखेंगे। फॉरेस्ट का अधिकारी है, उसकी जवाबदारी है, उसकी ड्यूटी है, और आप उसको सिर्फ एक ईमेल पे इतनी एक्टिविटी हो गई, इतनी एक्टिविटी हो गई कि कापसे को आपने कह दिया कि वो जाएगा नहीं अपने एरिया में। तो आप जब सरकार अपने अधिकारियों के ही हाथ पैर काटेगी तो आम जनता को ही उसका सजा भोगना पड़ेगा, जो हम लोग रोज आए दिन मुंबई में देख रहे हैं।